क्या हाल है गाइस। हिस्ट्री हमें कभी पढ़कर समझ आई नहीं, पर देखकर तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब पता चलता है हमारे इंडिया में भी इतने ताबड़तोड़ वॉरियर हुए हैं, तो ऐसी एक हिस्ट्री की पेशकश आ रही है अक्षय कुमार की पृथ्वीराज, जिसका ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब पर, देख लो। ट्रेलर देखकर तो कुछ खास मजा आ नहीं रहा, वैसे सच बताऊं तो ट्रेलर के अंदर से वो वाइब ही कहीं आई नहीं जो हमें आनी चाहिए थी। कमजोर डायलॉग को छोड़ दे तो म्यूजिक बढ़िया है गुरु। वैसे ये मूवी 3 जून को सिनेमा घर को हिट करेगी। अब देखना ये है कि किताब के अंदर क्या है, बिकॉज कवर तो बाबू हमें पसंद आया नहीं। और जिसके ऊपर ये फिल्म बन रही है वो कितने बड़े सर्वाइवर थे, इस बात का अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था और उनके ससुर जयचंद ने गौरी के साथ हाथ मिला लिया था, क्योंकि उनकी बेटी प्यार करती थी पृथ्वीराज से। आप सब तैरान का युद्ध तो जानते ही हो, तो बात यहीं खत्म नहीं होती भाई साहब। वो एक ऐसा रियल सुपर हीरो था जिसकी टक्कर शायद ही कोई ले पाए। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया तो उसने चौहान को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, पर मारे राजपूत शासक कहाँ झुकने वाले थे। सारी हदों को पार करते हुए गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सलाखें डलवा दी ताकि वो गौरी को घूर ना पाए। अपने इस बंदे में ना पावर ही अलग थी। 4 बांस 24 गज अंगुल अश्वमान ताऊपर सुल्तान मत चुको चौहान, जब ये दोहा उनके जिगरी यार चंद बरदाई ने उन्हें सुनाया तो उसके बाद जो कमाल हुआ ना वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गौरी की सेना के सामने वो बंदा जो अब देख भी नहीं सकता, उसने सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में तीर मार दिया और वहीं वो गौरी मर गया। उस दोहे में ना उनके दोस्त ने उन्हें बताया था कि मोहम्मद गौरी उनसे कितनी दूर कहाँ बैठा है। आप खुद इमेजिन करो कि कोई आपकी आंखों में पट्टी बांध दे और आपसे ऐसी लाइंस बोले, कहे कि अब निशाना लगाओ, तो क्या आप लगा पाओगे। पर उस बंदे ने बंदा ख़त्म कर दिया, वो भी दुश्मन के घर में उसके गार्ड्स के सामने ही। सलाम है ऐसे शासक को। तो एक ऐसे पराक्रमी के ऊपर फिल्म बनाना इट्स नॉट अ इजी टास्क, पर भाइयों जब आप बना ही रहे हो तो ऐसे बनाना कि देखकर लगे कि क्या बना दिया यार। पर ये जो भी बनाया है उसमें 300 करोड़ रुपए लग चुके हैं। फिल्म में आपको सोनू सूद, संजय दत्त, मानुषी चिल्लर, मानव विज देखने को मिलने वाले हैं और अक्षय कुमार तो मेन लीड रोल में है ही। शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक है, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इसको डायरेक्ट किया है। मम्मी नाना को बोल देना अपनी मूंछों पर शान से हाथ घुमाए, उनके टाइप की फिल्म आ रही है मार्केट में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना आए तो शेयर कर देना। चलो अब मैं चली, बाय।